आराम से भागो नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम आ चुके हैं एक और वीडियो में, और भाई ये हमारी हो रही है विश्रांत पार्ट टू। जैसा कि हमने बताया था पिछले पार्ट में आपको, ये होगा हमारा विश्रांत का पार्ट टू। और हम आज अकेले नहीं आए हैं, आज हम बहुत सारे लोगों को लेकर आए हैं। देखो वो रहे चाचा, और ये रहे ये भाई साहब हप्पू है, और ये जगत, और वहाँ पर ये रहा वैभव। अरे वैभव इधर आओ, हाथ दिखाओ, ये रहा वैभव, ठीक है। और भी थी ये रही अनन्या, ये रही कहाँ गई, ये रही अनन्या। तो सब लोग आए हैं ब्लॉग बनाने, और भाई साहब एक्सप्लोर करेंगे हमारे विश्रांत, क्योंकि जैसा कि हमने बताया था उस दिन विश्रांत के अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए थे, और हम लोगों ने अच्छे से विश्रांत एक्सप्लोर नहीं किया था। और अब आज हमारे पास टाइम है अच्छा सा, और मैंने कहा था भाई सुबह सुबह आएंगे, मज़ा आएगा, क्योंकि शाम को आने में एक समस्या रहती है, बहुत जल्दी टाइम ख़त्म हो जाता है और हमें सही से एक्सप्लोर करने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने सोचा भाई आराम से टाइम लेंगे, आराम से शूट करेंगे और आराम से एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं हमारे विश्रांत को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये कुछ इस तरीके का व्यू है हमारा, ठीक है। विश्रांत बाहर से मेन एंट्रेंस जो है वो कुछ इस तरीके की लगती है। ये सामने भूस लगा हुआ है, इसको इग्नोर करो, ठीक है। तुम ये वाला व्यू देखो, तो कुछ इस तरीके का विश्रांत रहता है। और भाई ये आगे और भी लंबा है, और भी बड़ा है, और आगे बहुत सारा है, ठीक है। तो पूरा विश्रांत एक्सप्लोर करेंगे आज, और मज़ा तो आएगा, ठीक है। तो चलते हैं जल्दी से विश्रांत के ओर। और भाई सबसे पहले तो यहाँ से सीढ़ियाँ हमको मिल जाती हैं, जो मेन एंट्रेंस तो नहीं है बट ठीक है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं, हाँ क्रैक, तो यहाँ पर एक क्रैक भी आ चुका है। और भाई तुम लोकेशन देखो, यहाँ से ही मैंने पिछली जो वीडियो शूट की थी यहाँ से की थी, ठीक है। और भाई साहब कुछ इस तरीके का व्यू है, और इस तरीके से विश्रांत है, और आज हम पूरा ही एक्सप्लोर करेंगे विश्रांत को, और ऊपर भी जा सकते हैं देखते हैं। तो इसके अंदर पूरा सब भरा हुआ है सामान, देख सकते हैं, चुप रहो, ठीक है, सब कुछ भरा हुआ है। यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, आगे एक्सप्लोर करेंगे विश्रांत को, ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर जाने की व्यवस्था भी है। पीछे से यहाँ से भी जा सकते हैं, टूटा नहीं है। तो चलते हैं कुछ आराम से, हाँ टूटे हुए जीने तुम देख सकते हो, नहीं तुम लोग बताओ। और भाई यहाँ पर हम ऊपर वाली जगह पर पहुँच चुके हैं विश्रांत में, ऊपर पहुँच चुके हैं भाई। तो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से विश्रांत, और मस्त प्लेस है देखने में भाई, मज़ेदार, और कुछ इस तरीके से है ऊपर का व्यू भाई, मज़ेदार तो है। तो आज एक्सप्लोर करेंगे पूरा है विश्रांत। अभी तो हम ये इस वाले पार्ट में, मतलब पिछले वाले पार्ट में हम यहाँ भी नहीं पहुँचे थे, और आज फ़िलहाल हमारे पास टाइम है अच्छा सा एक्सप्लोर करने का, मज़े से एक्सप्लोर करेंगे। और कहाँ गए तुम लोग, तो कैसा लग रहा है विश्रांत में? तो भाई मस्त तो है प्लेस, ठीक है। बाकी इधर पूरा भूस वगैरह भरा हुआ है, और जगह भी जा सकते हैं हम लोग। और एज यूजुअल जैसा होता है किसी भी ऐसे प्लेस पर, ठीक है, जो थोड़ी ढंग की लगती है, ढंग की दिखती है, उसमें ये आलतू फालतू के नेम्स लिखे हुए हैं। तो अभी हम वापस जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पर हम बस यहीं पर स्टक हो चुके हैं, और भी हमें प्लेसेस देखनी हैं, तो यहाँ पर रुकना तो नहीं है, बाकी नीचे चलते हैं।
बड़ा ही ध्यान से, क्योंकि ये सभी जितने भी ये यहाँ पर क्या कह सकते हैं जीना वगैरह बना हुआ है वो लकड़ी का ही है, तो थोड़ा आराम से ध्यान से चलना होगा। चलो फिर उस साइड से चलते हैं। ये वही, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है। आगे की और हमें प्लेस नहीं मिल रही थी, और भाई हमने किसी से लोकल से, यहाँ के लोकल से पता किया, तो हनुमान जी का मंदिर जो हमने पीछे क्रॉस किया था उसके ही साइड से कुछ बता रहे हैं, तो वहाँ से चलने की भी कोशिश करते हैं। बाकी तुम प्लेस देख सकते हो यार, क्या ही गजब है, क्या ही गजब है यार चीज़, ठीक है। तो मज़ेदार है, देख के मज़ा आया, और अब अपन चलने की कोशिश करेंगे पीछे से विश्रांत में, ठीक है। जल्दी आओ वापस। तो इतना सब फैला हुआ है, विश्रांति है ये चारों तरफ जितना है, ठीक है। वो तो हम कह सकते हैं एक छोटा सा एंट्रेंस हमने देखा है विश्रांत का। बाकी यहाँ तक पहले पानी वगैरह होता था, तो जितने भी जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था आपको कि यहाँ सब पानी होता था, और अभी भी आ जाता है, मतलब बारिश के टाइम और बाढ़ वगैरह आती है तो ये पूरा एरिया भर जाता है पूरा पानी से। और यहाँ पर जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो यहाँ पर थोड़ी देर रुकते थे, ठीक है, एक तरीके से विश्राम करते थे, तो इसीलिए मेन मोटिव इसका यही था कि इसीलिए बनाया गया था। बाकी ये जितना है सब विश्रांत ही है, बट अब लोगों ने कैप्चर कर रखा है और इसने अपने तरीके से इसे यूज़ कर रहे हैं बस। तो कुछ विश्रांत का ये पार्ट भी है, ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम अपने हिसाब से लोकल जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले उन्होंने अपने हिसाब से इसको यूज़ कर रखा है। बाकी ये मिट्टी कटी है या क्या है जो भी है। ये वाली गली यार कल उस दिन आए थे हम, मिली ही नहीं हमको, पता नहीं, ढूंढते भी रहे, कोई बात नहीं। तो बाकी और भी आगे चलते हैं, एक्सप्लोर तो करना ही है। और ये थोड़ा सा टूट भी गया है कह सकते हैं ऊपर से, बाकी ऊपर जाने की कोई व्यवस्था होती है तो देखते हैं। और यहाँ पर भी एक शंकर जी का एक मंदिर बना हुआ है, ये देख सकते हैं। और इसमें भी बढ़िया सा, मतलब बढ़िया सा तो नहीं, किसी की स्मृति में बना हुआ है, पता नहीं किसका है, ये देख लेते हैं। तो भाई ये कोई जय नारायण करके हैं, जय नारायण प्रसाद लोक शिला या फिर नो शिला, पता नहीं क्या लिखा है, जो शिला डिप्टी मजिस्ट्रेट नहर, ठीक है, मैनपुरी निवासी ने बनवाया होगा, ठीक है। बाकी हिंदी में लिखा हुआ है तो सन वगैरह हिंदी में है तो समझ में नहीं आएगा, बाकी कुछ इस तरीके से है। बाकी और भी एक्सप्लोर, चलो वापस आओ, आगे चलेंगे, नहीं उधर ऊपर नहीं जा सकते, जीना बना है वो, उधर से कैसे चढ़ोगे, ये तो पता नहीं। अंदर कंप्लीट भी है या नहीं है कोई पता नहीं, आराम से भागो, नहीं चोट लग जाएगी वरना। इधर से पत्थरों की मदद से नहीं आओ, जगत आराम से चलो, कहाँ जा रहे, तो जल्दी आओ। आगे का भी और भी है, वो भी एक्सप्लोर करेंगे पूरा आज। तो सुपरमैन क्यों बने जा रहे हो? तो ये पूरा विश्रांत ही है, और फाइनली
जो मेन बिल्डिंग थी जो पीछे से दिखाई दे रही थी वहां पर भी हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ विश्रांत के इस वाले पार्ट में भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा लंबा है। और भाई चलते चलते मेरी सांस फूल रही है, तो बाकी अपन चले तो जा रहे हैं और आ गए इधर एक और जगह, पहुंच गए कहीं तो पहुंचे हैं। तो कुछ इस तरीके का है ये वाला पार्ट, और जहाँ तक ये है ये भी एक्सप्लोर ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। अगरो तो यहाँ भी पिछली बार आए थे यार, लेकिन पता नहीं था ये विश्रांत का ही जगह है। आराम से चलो। ओ वाँ वाँ वाँ। क्या हो गया? बहुत मजा आया भाई। तो अबे है यार, ये हर जगह कलाकारी दिखा रखे, देखो तुम ये क्या मारू मारुति नहीं क्या लिखा है, मारू करके है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मिट्टी वगैरह उजड़ चुकी है और कुछ इस तरीके का है, खंडर है पूरा दिखाने लायक कुछ नहीं। हाँ अंदर से डायरेक्ट इधर वाली रास्ता निकल ले उधर के लिए। चलो ठीक है, जो भी है ठीक है। तो ये भी अपन ने एक्सप्लोर कर लिया, और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन के चक्कर में नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर टाइम बहुत लगेगा हम लोगों को। तो चलो फिर चलते हैं और भी आगे जो भी है वो एक्सप्लोर करने। तो यहाँ मुझे सीक्रेट एक वो मिल गए हैं जीना, तो भाई मैं रिस्क लेते हुए चलता जा रहा हूँ, और मैं आ गया हूँ यहाँ ऊपर। तो हम आ गए हैं यहाँ पे ऊपर, और भाई मिल गया है हमको एक सीक्रेट जीना, और यहाँ से ये टूटा हुआ है सब कुछ सिस्टम, इधर भी टूटा है, और यहाँ जाने का वैसे मन तो नहीं है, बट चलते हैं क्या, देख लेते हैं नीचे। ठीक है, जा सकते हैं। तो कुछ ये है, इस तरीके का खंडर बड़ा हुआ है, और वो रहे वो लोग इधर। तो अपन बहुत अजीब तरीके की जगह पर हैं, मालूम है। तो ये है टूटा हुआ जीना, तो यहाँ से अगर गिरे तो नीचे ही पहुँचेंगे डायरेक्ट। किसके किसके चोट लगी, कौन कौन गिरा है, गिर चुके? मैं चोट नहीं लगी, मैंने हाथ लिया था। गिर गए? मैं चोट नहीं लगी, मैं तो नहीं गिरी, चोट लगी। बहुत अच्छा से मुझे फिर। तो ये भी कुछ है मंदिर वगैरह, और यहाँ पर भी एक मंदिर है। एक और बड़ा से चढ़ी से संतुना। तो ये है एक हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर मतलब मंदिर है। तो अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं विश्रांत, और भाई कुछ इस तरीके से लगती है मेन बिल्डिंग। ठीक है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगा होगा, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना हुआ है। हाँ पता है, नहीं उधर नहीं जाओ। तो बहुत ही मस्त प्लेस है, और भाई तुम देख सकते हो भाई क्या ही गजब फ्रेमिंग। देख सकते हो भाई क्या ही गजब चीज़ है, और भाई ये ऐसे ही जैसे मतलब जिस चीज़ पर मैं खड़ा हूँ ऐसे ही बहुत सारे उधर भी, एक वो है एक उसके पीछे भी है जैसा कि मुझे दिख रहा है। ठीक है भाई, और एक ये है और उसके पीछे हम थे। ठीक है, तो ये बहुत ही गजब है, मज़ा आ रहा है भाई देख के, तो गजब है। आगे भी और है, चलते हैं उधर। तो भाई जल्दी से भाग के चलते हैं, और ये लोग मुझसे आगे पहुंच चुके हैं। तो भाई कुछ इस तरीके का है, और वहाँ नीचे गुप्त जगह नहीं है वो सब, मतलब पहले खुला रहता था ना, ये ज़्यादा नीचे था, पानी था इसमें पूरा, और ये लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं।
ठीक है। और ये भाई कुछ कार्विंग भी मिल गई है, ठीक है, कार्व किया गया है यहाँ पर बिल्डिंग को, नहीं अरे मूर्तियों को कार्व किया गया, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं जो कि, ठीक है। और तो यहाँ पर एक और हमें मिल जाती है, एक और तो संन्यास आश्रम संस्कृत विद्यालय, ठीक है। तो ये हाँ ये देखो संन्यास आश्रम संस्कृत विद्यालय और साहा जी की विश्रांत फरुखाबाद। चलो फाइनली हमें कुछ ऐसा प्रूफ मिला जिससे हम आपको अच्छे से बता पाएं कि ये प्लेस है क्या। और तब से मैं विश्रांत 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 गाए जा रहा हूँ, और कम से कम अब ये प्रूफ तो मिल गया कि भाई विश्रांत है क्या असली में, ठीक है। और एक और जैसा कि वहाँ पर था वैसा ही एक यहाँ पर भी है। और तो आई होप आपको वीडियो देख के मज़ा आया है, और वीडियो अच्छी लगी है आपको तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी बढ़िया सी प्लेस पर। बाकी आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और भाई तो भाई पिछली बार अपन ने ट्राई किया था लाहौरी जीरा, और इस बार सब लोग ट्राई करने वाले हैं लाहौरी जीरा, और बॉटल्स वहाँ पर कम ही मिली हैं। अरे क्या कर दिया ये, क्या किया तो लाहौरी जीरा ट्राई करवाते हैं इन लोगों को, और देखते हैं किस तरीके से होता है लाहौरी जीरा। ये लो अन्य चेक करो।